अयोध्या ग्राम पंचायत चुनाव के दौर में एक ऐसे नवनिर्वाचित प्रधान राजेश कुमार कोरी जी, जो कि ग्राम पंचायत नारायणपुर के नवनिर्वाचित प्रधान हुए हैं, उनका कहना है कि मैं मात्र 10,600 रुपए खर्चा करके नवनिर्वाचित प्रधान बना हूँ और यहाँ की जनता को धन्यवाद दे रहे हैं कि मुझे प्रधान बनने का मौका दिया है और मैं अपने ग्राम वासियों के उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे की जानकारी के लिए चलते हैं अयोध्या से हमारे संवाददाता सर्वेश कुमार की इस रिपोर्ट पर। प्रधान जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राजेश कोरी है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कंधई एक गरीब परिवार से थे और जिन्होंने अपनी बड़ी लगन मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया। आज हमारे गांव के एक एक किसी भी जाति बिरादरी के लोग हों, सबका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है कि उन्होंने जातिवाद से ऊपर उठ करके एक छोटे से आदमी को, एक बहुत ही गरीब आदमी को प्रधान बनाया। इसके लिए हम अपने गांव के, अपने शिक्षकों के, सबके हम बहुत ही आभारी हैं। ये है मेरा परिचय। हमारे घर में हम सिलाई का काम करते थे, दो तीन मशीनें लगी थी, यही हमारी जीविका का साधन था। बाकी समाज सेवा तो हम बचपन से, जब से हम जानने लगे थे तब से करते आ रहे हैं और उसी समाज सेवा के दम पे आज हम प्रधान बने हैं और हम आगे भी, मेरी कोशिश होगी कि जो भी वंचित लोग हैं, किसी भी जाति के हों, किसी भी समाज के हों, पात्रता की श्रेणी में जो भी होगा उसके काम के लिए हम एक ही पीछे कभी नहीं हटेंगे। मुझे चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, चाहे जितना जो कुछ भी करना पड़े। प्रधान जी, आपने इलेक्शन में खर्च कितना किया होगा? 10,600 रुपये। इसकी आपके पास कोई बिल्कुल रसीद या क्या आपके पास? सब कुछ देंगे आपको, सब कुछ देंगे। हमने किसी को एक रुपए की बिगड़ी नहीं खिलाई है। जो लोग हमारे साथ काम करते थे, 15-20 लोग जो भी हमारे साथ काम करते थे, हमारे भाई बंधु, वो अपने घर पर चाय पीते थे, वो अपने घर पर खाना खाते थे, काम मेरा करते थे और हमने किसी को 10 रुपए की दारू नहीं पिलाई है। आप ये बात कहने की नहीं है, आप अगर गांव में जाकर के सर्वे कर दीजिए तो मेरे तरफ से बहुत ही अच्छा होगा कि कोई ये नहीं कह सकता कि राजेश ने एक रुपए की बिगड़ी भी हमको पिलाई है। कितने वोटों से आप जीते हैं? जीते हैं हम 419 वोट मिला था, 50 वोट से हमारी लीड थी। आपका गांव विकास के मामले में काफ़ी पीछे दिख रहा है। हमारा गांव विकास के मामले में पीछे इसलिए रहा कि पिछले जो भी प्रधान थे, अब वो कैसे काम किए कैसे काम नहीं किए इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो आने वाले समय में आपकी क्या कार्य योजना? हमारी कार्य योजना यही है, हमने पहले भी आपको बताया कि जो भी कार्य योजनाएँ हैं हम कोशिश करेंगे कि हर आदमी, हर स्तर तक, हर गरीब आदमी तक पहुँचे वो योजना, जिससे पिछले जो 25 साल के रिकॉर्ड हैं उनको हम उसको ढूंढ सकें। आपके इलाके में गन्ने की बुआई काफ़ी हुई है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें किसानों के लिए? अब किसानों के लिए गन्ने की बुआई है, जो हमारे स्तर का जो भी काम होगा, चाहे उनका सर्वे करवाना हो, चाहे उनके मिल का कोई काम हो, हमारे प्रधान के स्तर का कोई भी काम होगा तो उसके लिए पीछे नहीं रहेंगे। मजदूरों के लिए क्या योजना है आपके पास? मजदूरों के लिए जैसा कि ये श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन तो हमने पहले भी कई लोगों को करवाया था, लेकिन प्रधान न होने की वजह से वो हम विफल हो जाते थे। अब उसका हम आप लोगों के जरिए से कैंपिंग करेंगे और जो भी योजनाएं होगी श्रम विभाग की या और भी विभाग की, चाहे ब्लॉक की, चाहे तहसील की, चाहे जहाँ से, तो उसको हम पूरी कोशिश करेंगे, उसको हम करेंगे।